गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे आपके कुछ बचे हुए वायरलेस ट्रांसमिशन चैनल के बारे में। ठीक है, वायरलेस ट्रांसमिशन चैनल जो वायरलेस तरीके से बिना किसी केबल कनेक्शन के आपके डेटा को ट्रांसफर करता है, रिसीव करता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला है माइक्रोवेव। क्या है माइक्रोवेव? माइक्रोवेव क्या है ये मत समझना, आपका जो खाना गर्म करने की जो है मशीन वो नहीं। ठीक है, माइक्रोवेव आपकी किरणें होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? किरणें होती हैं जो क्या करती हैं, डेटा को ट्रांसफर करती हैं और रिसीव करती हैं। ठीक है, तो देखिए आपने साइंस में पढ़ा होगा माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, रे, एक्सरे, इन सब के बारे में। तो इसी तरह माइक्रोवेव है आपकी, वो क्या करती हैं, माइक्रो अलग है और वेव अलग है, यानी कि ये दोनों मिला के एक वर्ड हुआ है, बनाया है माइक्रोवेव। क्या करती हैं ये, डेटा को ट्रांसफर और रिसीव करती हैं। ठीक है, देखिए पहला है हमारा क्या है, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉमनली यूज्ड वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम। क्या है, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम, मतलब सबसे ज्यादा यूज करने वाला वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम, यानी कि जो डेटा को ट्रांसफर और रिसीव करता है, ऐसा डिवाइस जो सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, दूसरा है आपका मोस्ट ऑफ द वायरलेस डिवाइसेस works on microwave communication. देखिए क्या कह रहा है ये, most of the wireless devices वर्क ऑन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। आपके ज्यादातर जो वायरलेस डिवाइसेस हैं वो किसके ऊपर काम करते हैं, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, यानी कि माइक्रोवेव के थ्रू ही काम करते हैं, डेटा को ट्रांसफर रिसीव करना। ठीक है, लगभग आपके जो वायरलेस डिवाइसेस हैं वो किसके ऊपर काम करते हैं, माइक्रोवेव के ऊपर। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट है हमारा इट इज वाइडली यूज इन सेलुलर कम्युनिकेशन। देखिए क्या है, क्या कह रहा है ये, इट इज वाइडली यूज्ड इन सेलुलर कम्युनिकेशन। इसका मतलब है
कि ये ज्यादातर किसमें यूज होता है, सेलुलर कम्युनिकेशन यानी जो हम बातचीत के लिए जो यूज करते हैं, जैसे फोन, टेलीफोन वगैरह, ठीक है, मोबाइल वगैरह, वायरलेस जो आपके जो सेट होते हैं उनको किस, वो सब किस, उनके अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चैनल है, माइक्रोवेव, ठीक है, यानी कि जो बातचीत के लिए जो काम में आने वाले डिवाइसेस हैं वो किसके ऊपर काम करते हैं, वायरलेस वाले जो है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के ऊपर, ठीक है। तो आप नोट कीजिए इसको माइक्रोवेव के बारे में। हो गया सभी का। अब देखिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ब्लूटूथ। देखो ब्लूटूथ, ब्लूटूथ का तो नाम सभी ने सुना है, जो किस लिए यूज होता है हमारा, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब वायरलेस जो बिना वायर का, जो बिना वायर के कनेक्ट होता है आपके फोन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, या आपके ईयरफोन से, किसी भी चीज से, यानी हेडसेट से जो आप कानों में पहनते हो ना, उससे, इन सब से कनेक्ट होता है ये, ठीक है। तो देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में हम। इट इज ए वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम ऑपरेटिंग ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। देखिए क्या कह रहा है ये, इसका मतलब है इट इज ए वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम। ये क्या है कि वायरलेस डिवाइसेस है, डिवाइस है, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन का डेटा ट्रांसफर करने का, आपको काफी बार बता दिया है कम्युनिकेशन का मतलब डेटा ट्रांसफर करना, रिसीव करना, ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन है ये। दूसरा क्या करता है ये, एक शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर काम करता है। जैसे आपने देखा होगा ब्लूटूथ को, जैसे ही हम किसी से कनेक्ट करते हैं, आप कोई ईयरफोन है या फिर आप कोई हॉटस्पॉट आपने, या फिर किसी दो फोन को आपस में कनेक्ट किया हुआ है ब्लूटूथ के थ्रू, तो जैसे ही हम 10 मीटर 15 मीटर से ज्यादा जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक डिसकनेक्ट हो जाता है। तो उसका मतलब क्या है, ये एक शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर काम करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट कैन बी फाउंड ऑन इन मोबाइल फोन, पर्सनल कंप्यूटर, डिजिटल कैमरा,
देखिए क्या कह रहा है ये, इट कैन बी फाउंड इन मोबाइल, ये किसके अंदर मिलता है, मोबाइल फोन के अंदर मिलता है, पर्सनल कंप्यूटर यानी कि हमारा जो लैपटॉप वगैरह है, जो नोटबुक वगैरह है हमारी, जो लैपटॉप से छोटी होती है उन सब के अंदर, उन्हें आप क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप्स वगैरह के अंदर, डिजिटल कैमरा के अंदर, ऐसे कैमराज जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं, क्या होते हैं वो, डिजिटल कैमराज, हेडफोन, हेडफोन यानी जो आप कानों में लगाते हो गाने वगैरह सुनने के लिए, ईयरफोन वगैरह उनके अंदर, और भी बहुत सारी चीजों में मिलते हैं ये, आपके कुछ मेन मेन कुछ एग्जांपल हैं जिनके अंदर ये यूज होता है। ठीक है, अब देखिए इसका थर्ड पॉइंट, इट यूजेस द रेडियो वेव टेक्नोलॉजी। देखिए क्या कह रहा है, इट यूज द रेडियो वेव टेक्नोलॉजी। आप, मैंने बताया था अभी, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरे, गामा रे, ये सब क्या है आपकी रेज हैं। ठीक है, तो रेडियो वेव क्या करती है, इनके अंदर डेटा ट्रांसफर का काम को क्या करती है, रेडियो वेव। ठीक है, जैसे मैं पिछले वाले में हमने बात की थी माइक्रोवेव में, टेलीफोन के अंदर कौन सा काम करता है, माइक्रोवेव। ठीक है, जो बातचीत के लिए मोबाइल्स वगैरह में माइक्रोवेव, लेकिन ब्लूटूथ के लिए रेडियो वेव का यूज होता है। ठीक है, नोट कीजिए आप इसको, ब्लूटूथ के एग्जांपल और इसके यूजेज के बारे में। हो गया सभी का, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा इंफ्रारेड। क्या है हमारा नेक्स्ट है हमारा इंफ्रा रेड। इंफ्रा रेड क्या है, ये भी आपकी रेज हैं, किरणें हैं। ठीक है, जो डेटा ट्रांसफर रिसीव करने का काम करती हैं। ठीक है, तो देखिए इनका क्या क्या काम है उसके बारे में देखते हैं। इट इज ए वायर लेस कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, क्या है ये, वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम है, यानी कि इसके द्वारा हम डेटा ट्रांसफर रिसीव करते हैं। दूसरा, इट इज सुटेबल सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। आप देखिए इसका मतलब है, इट इज ए वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम, यानी कि एक वायरलेस ऐसा डिवाइस जो इंफ्रारेड का यूज करता है डेटा ट्रांसफर और रिसीव करने के लिए। ठीक है, इट इज सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, ये किस लिए यूज होती है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ज्यादा यूज होती है। ठीक है, जिस तरह हमारा ब्लूटूथ शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर काम करता है, इसी तरह इंफ्रारेड भी शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर काम करती हैं। समझ गए, आप देखिए थर्ड पॉइंट है हमारा, सॉरी एग्जांपल देखिए इसके कौन कौन से हैं, टीवी
रिमोट कंट्रोल कनेक्ट टू each other using infra red rays. अब देखिए इसका क्या मतलब है. टीवी एंड ए रिमोट कंट्रोल, यानी कि टीवी के साथ में जो रिमोट है वो कैसे कनेक्ट होता है, इंफ्रारेड के साथ में कनेक्ट होता है. जैसे हम रिमोट अपने पास में रखते हैं और टीवी कुछ दूरी पर रहता है तो वो क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन है. ठीक है, और जैसे ही हम रिमोट के अंदर कोई बटन प्रेस करते हैं तो टीवी के अंदर चैनल चेंज होता है या फिर उसके अंदर वॉल्यूम अप डाउन होती है. ठीक है, तो इसी तरह इंफ्रारेड का एक एग्जांपल क्या है, टीवी का रिमोट टीवी से जब कनेक्ट करते हैं तो किस तरह काम करता है, इंफ्रारेड किरणों के साथ में काम करता है. ठीक है, तो ये था आज का आपका कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन चैनल के बारे में. ठीक है, तो इसी के साथ में आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है. आप इसको नोट कीजिए, अब तक का आपने जितना भी किया है आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कीजिए. ठीक है, चलो.